धन्यवाद। अरे भैया जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे मतदान? आज हम अपने उस विद्या के मंदिर में जहां हमने अपने जीवन के प्रारंभिक क्रम में अध्ययन किया है, उस विद्या के मंदिर में मतदान करने आए हैं। जलपान भी नहीं किया है, सच्ची बता रहे हैं आपको। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मतदान, बाद में जलपान, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व का महापर्व है, और इसमें जो है हम सबको जागे हुए भारतीय होने के नाते जागे हुए भारतीय का परिचय देना चाहिए। जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें वोट अवश्य देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र है, मजबूती के साथ आप अपने अधिकार और अपने विवेक के साथ में वोट दे करके आप अपने अधिकार का पालन कर सकते हैं, आप अपने अधिकार की मांग रख सकते हैं। महाराज जी, आपकी व्यस्तता है, लेकिन आप सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारे जीवन में एक कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होता। हमारे जीवन में एक नया सिद्धांत है, जो कह रहे हैं वो करके बताएंगे। यही हनुमान जी की शिक्षा है, यही हमने हनुमान जी से सीखा है। हम जा तो रहे हैं छत्तीसगढ़, विलंब भी हो गया, लेकिन अब आप लोगों का स्नेह है और पहला कर्तव्य हमारा वोट डालने का है। सरकार किस तरीके की होनी चाहिए आगे? देखिए, देश में जाति पात मिटाने वाली, भेदभाव मिटाने वाली, और भारत में शिक्षा मुफ्त करवाने वाली, जिस दिन इस देश में भिक्षा मुक्त और शिक्षा मुक्त भारत के लिए कोई जिएगा, हमें लगता है भारत विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद।